हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली मेरी यूट्यूब की पिन आ गई है आप लोगों की सपोर्ट से। आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जो मुझे छोड़ के चले गए उनका खास तौर पे दिल से शुक्रिया। तो मैं थोड़ा आप लोगों को इस पिन के बारे में बता दूँ कि ये पिन होती क्या है, किस लिए होती है। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। ये पिन हमें स्विट्जरलैंड से आती है कोरियर के थ्रू हमारे घर पर। ये पिन हमारी वेरिफिकेशन के लिए आती है कि हम फेक हैं या रियल हैं, क्योंकि हम यूट्यूब के पास जॉब कर रहे हैं तो उनको हमें वेरीफाई करने के लिए ये हमारे घर पे पिन भेजते हैं। ये पिन जब तक हम अपने गूगल एडसेस के अकाउंट में नहीं डालते तब तक हमारी पेमेंट हमें रिसीव नहीं होती। दो तरह की वेरीफिकेशन होती है। सबसे पहली जो होती है गूगल एडसेंस पे वेरिफिकेशन, वो होती है कि हमें अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट या लाइसेंस की पिक्चर डालनी होती है, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। देन उसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन जो होती है ये पिन की होती है। हम अपना एड्रेस देते हैं वहाँ पर गूगल एडसेंस पर, उस पर फिर हमारे घर पर जो है ये वेरिफिकेशन के लिए पिन भेजते हैं। जब हमारे $10 कम्प्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये पिन का ऑप्शन आता है हमारे पास, देन हम पिन अप्लाई करते हैं। ये पिन 3 से 4 वीक के अंदर आ जाती है हमारे घर पे, लेकिन अगर जिस तरीके से मेरी 3 से 4 मंथ के बाद आई है तो हर 3 वीक्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है री अप्लाई का। तो अगर आपकी पिन नहीं आ रही हो 3 से 4 वीक के अंदर तो हर 3 to 4 वीक्स बाद जो है इसको री अप्लाई करें। तो जितना री अप्लाई करेंगे, और मेन चीज़ है आपका एड्रेस सही होना चाहिए, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हो गई एवरीथिंग सब कुछ सेम होना चाहिए, और जितने एड्रेस वहाँ पे मांगे हुए होते हैं उन पे सेम एड्रेस होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से भी अक्सर लेट हो जाता है पिन। तो मैं आपको बता दूँ कि ये पिन होती है, एक कोड होता है। एक पिन आपको पता है पिन क्या चीज़ है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँगी। ये कोड होता है 6 डिजिट जो कि हमें अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में डालना होता है, वहाँ पे ऑप्शन होता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से डालना है, ये मैं भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें आपने गूगल एडसेंस खोलना है। गूगल एडसेंस खोलने के बाद जो है ये ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन चेक का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आपसे 6 डिजिट वेरिफिकेशन पिन वो मांगेगा, जिससे आपकी वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट। जो आपको गूगल के थ्रू पिन आई हुई है वो आपने इस जगह पे डालनी है, 790241। तो इसको डालने के बाद आप यहां से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इससे पहले था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो आपका आइडेंटिटी का आईडी कार्ड और क्या नाम है पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होती है। और ये जो दूसरा एड्रेस वेरिफिकेशन है जो आपके घर पे ये पिन आई है इसके थ्रू ये वेरिफिकेशन होती है। तो ये जब दोनों वेरिफिकेशन हो जाएंगी दैन आपकी पेमेंट आप निकलवा सकते हैं अपने जो जिस तरीके से निकलेगी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से वेरिफिकेशन होती है गूगल एडसेंस पर स्पिन की। अगर अब भी कुछ समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर फिर भी नहीं आए समझ तो मुझसे इंस्टाग्राम पर, ये इंस्टाग्राम है मेरा, इस पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।